जय जगन्नाथ प्रभु की, जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की। हम पूर्व में शायद 5-6-7 साल पहले दर्शन कर चुके हैं जगन्नाथ प्रभु के। पुनः जगन्नाथ प्रभु ने हमको बुलाया है, ये हमारा सौभाग्य है। और उड़ीसा के लोग बड़े ही धार्मिक हैं और उड़ीसा के लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं। जब तक उड़ीसा में और भारत में और दुनिया में जगन्नाथ हैं, तब तक कोई अनाथ नहीं है, सब सनाथ हैं। एक बात हमको याद आती है, जब यहाँ रथ यात्रा होती है तो सब लोग रस्सी पकड़ते हैं, तो सब प्रभु की रस्सी था मैं सबके हाथ, लेकिन सबकी रस्सी था मैं जगन्नाथ। यही कहना है कि सब मंगलमय रहें, एकता के साथ रहें, सनातन की बहार में जिए और जगन्नाथ प्रभु का आसरा लेकर के अपने जीवन को धन्य सिद्ध बना दें। गुरु जी मेरा फंक्शन नहीं बना, गुरु जी आशीर्वाद, गुरु जी आशीर्वाद, बालाजी महाराज की जय, हजूर सनी जी बाबा की जय, श्री राम जय, श्री राम जय, श्री राम जय, श्री बागेश्वर धाम गए भी हैं, वहाँ हमारे गुरुदेव भैया से मिले भी हैं। भुवनेश्वर में पास में देख के कैसा, मैं उनको राखी भी बांधी हूँ, गुरु दीक्षा भी उनसे ली हूँ। जितना बनाने बागे हम लोग हैं, भगवान सबको दे ऐसे। कल अचानक से उन्होंने अपने यूट्यूब उस पर दिव्य दरबार में बताया कि हम कल आ रहे हैं, जगन्नाथपुरी जाएंगे। मतलब उन्होंने कहा कि हमारे देश में एक जगन्नाथपुरी है जहाँ के लोग कहते हैं कि जगन्नाथ भगवान का रथ हम लोग खींच रहे हैं। तो उन्होंने कहा उन लोगों को कौन समझाए कि लोग उनकी रस्सी को नहीं खींच रहे हैं, वो सबकी रस्सी को पकड़ के रखे हुए हैं। अब हमारा प्लानिंग हुआ है, अब मैं जाने वाला था मध्य प्रदेश कथा के लिए, कल पहले मैं जाऊँगा जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ बाबा का दर्शन करके फिर जाऊँगा। हम लोगों ने जैसे ही सुना, हम लोग का रात भर नींद नहीं आया कि हमारे गुरुदेव सच में आ रहे हैं। सुबह से आके 10 बजे तक बिल्कुल उन्होंने तो अपने सिर पे इनको सिर पे रखा अपने, हम इनको छुआ भी, मुझे भी हाथ से टच करके बोला बहन मैं जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ, आप धाम पे आओ। मेरा भी 23 तारीख को टिकट है धाम पे, हम लोग जा रहे हैं, पूरा फैमिली जा रहे हैं। और आप लोग भी जल्दी ज़रूर जाइए जगन्नाथपुरी, और आप लोग ऐसे करिए कि सच में उनकी यहाँ पे कथा हो। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग कोशिश करिए यहाँ पे उनकी कथा। और वो सीधा मुझे बोल के रखे बहन आप हनुमान जी को भैया बोलते हो, आपको अर्जी की ज़रूरत नहीं है। मैंने उनको राखी भी बांधा है, उन्होंने कहा बहन आपको अर्जी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप तो हनुमान जी को भैया बोलते हो ना, हम आपके साथ हैं। उन्होंने मुझे राखी भी बंधवाया, मेरे सिर पे हाथ रखा, बोला आप बहन के साथ साथ आज से मेरी बेटी भी बन गए हो।
बहुत खुशी लगे आम तो भाभी नु आम गुरुजी एत पाखु देख बोलिकी बहुत खुशी लगे आमको गुरुजी आसको बहुत खुशी लगी नहीं आम तो दूर देख लु पा मुंडे हाथ थोले मो स्वामी मुंड हाथ रखिले मो स्वामी की किसी गोटे दे बहुत भूस लगे मो स्वामी भी गुरुजी कौन दे जानी खुली जना पड़ोटा देते मत गुरुजी दे हार पिंदा देते मुझे नवदपुर बिहार जा आखि बंद करीशार से पा आउ थे भी जा दर्शन कराया चार थर हो दर्शन कराया मन के तो मनुष्य जन्म आरंभ शेष पर्यटन किसी ना सीम चल थी जहाँ भी अच्छी भगवान अल्प बहुत सी भी कटि जा गुरुजी दर्शन कर पार नी आज्ञा एवं भी मो भाई जन फोन कले कह गुरुजी आसन्त मुझे जान नी कल दिव्य दरबार 9 तारीख दिव्य दरबार देखी कि गुरुजी कहले जगन्नाथ धाम जावाई तथा कनफर्म नी भाई जन मत फोन करार मुझे सांगे कटक रु अधन भितर आस पहुँचली तो गुरुजी की एत पाखु दर्शन कल मुझे भी निजे भी कल्पना कर सतरे मुझे गुरुजी को दर्शन करी मुँह के देखी नी प्रथम टाइम देखिली गुरुजी मो झ मुंड हाथ रखे आशीर्वाद कले बहुत शांति बहुत खुशी मो पर कल्याण कले प्रभु